वजह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी तो हमने ये देखा है लास्ट कि कलर को लिखते कैसे हैं, और हमने ये देखा है कि जी कलर बनते कैसे हैं, कलर इट्सेल्फ क्या चीज़ है इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाट इज कलर इन द फर्स्ट प्लेस। अगर कोई चीज़ मुझे ब्राउन दिख रही है तो वो मुझे ब्राउन क्यों दिख रही है? लेकिन लाइट तो कोई सी भी हो, ये मुझे ब्राउन ही, मतलब लाइट अगर वाइट है, अगर सनलाइट में भी ये ब्राउन दिख रहा है, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है जो कि उसमें से निकल रही है। अच्छा नहीं, वो लाइट की वजह से जो दोस्त कह रहे हैं वो ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करें। काफ़ी करीब करीब, इन्होंने काफ़ी करीब करीब बात कर दी है, और बहुत अच्छी बात कर दी है इन्होंने। लेकिन इन्होंने जो बात की है वो उसमें इन्होंने ये बोला है कि जी रोशनी का जो कलर है, जैसे सूरज से जो रोशनी आ रही है, अब उस रोशनी के अंदर सात कलर हैं, वो सातों मिक्स हैं तो सफ़ेद दिखते हैं, प्रिज्म पे डालेंगे तो सातों अलग अलग हो जाएंगे, और मुझे उसमें से येलो अलग दिखने लग जाएगा, रेड अलग दिखने लग जाएगा, तो रोशनी की वो अलग अलग अकसाम मुझे अलग अलग करके दिख जाएंगी। लेकिन ये तो रोशनी पे बात हो गई, ठीक है, और बात इन्होंने बहुत करीब करीब की है, लेकिन मैं असल में पूछ रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट मुझे ब्राउन क्यों दिख रहा है। या मिसाल के तौर पे मेरे पास ये रिमोट पड़ा हुआ है इसी का, ये वाइट अगर मुझे दिख रहा है तो ये ब्लैक क्यों नहीं दिख रहा है, ये वाइट ही क्यों दिख रहा है, रेड क्यों नहीं दिख रहा है, ये मेरा सवाल है। फ्रीक्वेंसी वाली जो बात की उन्होंने, आप ज़्यादा करीब आ गए, ऑब्जेक्ट ये वाइट क्यों दिख रहा है उसके, ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग है, सही गलत नहीं है, जो आपका ओपिनियन है वो आप दे सकते हैं। और कोई बताया जी? हाँ भाई लड़कों, फिजिक्स वाले बच्चों, फिजिक्स पढ़ाते हो ना तुम या पढ़ते हो? तुम कह रहे थे ना मैं ओ लेवल्स को पढ़ाता हूँ, पता नहीं। अच्छा तो कोई और कह रहा ये जो इन्होंने बात की है ना, ये एग्जैक्टली इन्होंने वो बात कर दी है जो मैं सुनना चाह रहा था। देखें कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो अगर कोई ये ब्लू कलर की ये बोतल का ढक्कन ब्लू कलर का है, तो ये मुझे ब्लू इस वजह से दिख रहा है कि जब नेचुरल लाइट इस पर पड़ती है ना, यानी सूरज से आने वाली रोशनी या इस बल्ब से आने वाली रोशनी, ये LED बल्ब है, ये सफ़ेद, इसमें भी सातों कलर है, ठीक है, इसमें भी सातों कलर है, क्योंकि ये कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, ये है, ये भी नेचुरल लाइट, क्योंकि भाई डायोड के जो फोटोन जो निकल रहे हैं वो फोटोन बनाए थोड़ी गए हैं, वो तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम तो जब उसको पावर देते हैं ना, तो ये भी नेचर के ही कलर हैं, सातों कलर इसमें भी मौजूद हैं नेचर के, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि ये केमिकली प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो वो हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो इसमें। वेल, तो सूरज की रोशनी जब इस बोतल के ढक्कन पर पड़ती है, तो ये बोतल का जो ढक्कन है ना, ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ ब्लू कलर को ये कर देता है रिफ्लेक्ट, ब्लू कलर को ये अपने अंदर एंटर होने नहीं देता है, ठीक है, और उसका नतीजा ये होता है कि वो ब्लू कलर इससे टकरा के जो है ना वापस इधर उधर जाता है, यानी अगर उधर से लाइट आ रही है तो टकरा के जाहिर है फिर जो भी एंगल बनेगा, या इधर से जो लाइट आ रही है उससे टकरा के, तो जिधर से भी लाइट आती है ना उसके ये सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, जस्ट ब्लू को वापस उधर फेंक देता है जिधर से वो आई थी, ठीक है। तो जब हम इसकी तरफ देखते हैं ना, तो वो ब्लू कलर हमारी आँखों के अंदर जाके, और जो हमारा जो
पर्दा है आँखों का, उस पर वो जब रिफ्लेक्ट होता है ना वो ब्लू कलर, तो ये हमें दिखता है ब्लू, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसा कौन सा केमिकल इस पर लगा हुआ है जो सिर्फ ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है, बाकियों को नहीं करता? अच्छा, ये बाई नेचर, नेचर ने हमें ये बना के दे दिया, ये केमिकल हमने नहीं बनाया, ये केमिकल नेचर ने बना के दिया हुआ है। सही है, जैसे ग्रीन कलर का कोई पत्ता है, तो ग्रीन कलर का जो पत्ता है वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ग्रीन कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इस वजह से वो हमें ग्रीन दिखता है। अगर कोई पत्ता येलो कलर का है तो वो येलो कलर को, अच्छा येलो कलर आप बोलेंगे कि यार रेनबो के अंदर मुझे येलो कलर तो नहीं दिख रहा, ठीक है, तो वो जो भी दो कलर मिसाल के तौर पर मिक्स करके जो येलो बनता है वो उन दो कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो मुझे दोनों कलर मिक्स होकर येलो दिखता है, ठीक है, काइंड ऑफ दैट। अच्छा, तो अब ये कौन सा केमिकल है जो पत्ते के ऊपर लगा हुआ है? दैट इज़ कॉल्ड पिगमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? पिगमेंट कहते हैं, जो जैसे ऑयल पेंट वगैरह होते हैं ना, ये जितने भी पेंट हैं, जितने भी इसका जो रॉ मटेरियल होता है, ये क्या होता है बेसिकली? जो ऑयल पेंट होता है वो किस चीज़ से बनता है? उसके दो रॉ मटेरियल हैं बेसिक। नंबर एक होता है पिगमेंट, जो एक्चुअल कलर है। अच्छा, पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है? जैसे ग्रीन कलर है तो वो डिफरेंट पत्तों में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अगर कोई ब्राउन कलर है तो वो मे बी जो नेचर ने जो चीज़ ब्राउन बनाई है ना उसमें से ही निकलेगा वो। ब्राउन हम बना नहीं सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा, ब्लैक कलर जो है वो हम बना सकते हैं, ब्लैक कलर जो किसी भी चीज़ को जलाओ तो वो ब्लैक हो जाता है, तो किसी ख़ास किस्म की लकड़ी को या कागज़ को जला के वो ब्लैक पिगमेंट बनाया जाता होगा। तो नंबर एक होता है पिगमेंट, जो नेचर ने बना के दिए हैं हमें, हम नहीं बना सकते वो पिगमेंट, वो ग्रीन है ग्रीन ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा होता है सीलेंट, सीलेंट ये होता है जिसे ऑयल पेंट आप लगा देते हैं कहीं तो जी वो एकदम सील हो जाता है, तो सीलेंट होता है, उसके लिए वार्निश वगैरह और पता नहीं जो जो अलग अलग तरह के होते हैं तो वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और ये आजकल, अब क्योंकि आपको पता है जो ये पेंट शॉप हैं ये बड़ी जदीद हो गई हैं, पहले तो ये होता ना पेंट के डब्बे होते थे, वो कैटलॉग हाथ में पकड़ा दिया कि जी आप इसमें से चूज़ करें, दैट इज़ लॉन्ग गॉन, ये पुरानी बात हो गई है। अब तो वो कहते हैं कि जी आप लेकर आएँ हेक्स कोड कलर का, हम बना के देंगे आप। तो अब जो कलर की शॉप है ना, जो एडवांस किस्म के जो नए कंपनीज आ गई हैं कलर, वो क्या होती हैं, वो पिगमेंट और सीलेंट वो अलग अलग डब्बों में आता है, सीलेंट और पिगमेंट वो अलग अलग डब्बों में अब बनाने लगे हैं। अब वो क्या करते हैं, उनके पास मशीन होती है, अच्छी खासी बड़ी सी मशीन होती है, उसमें वो पिगमेंट लगे होते हैं, तीन चार या पाँच जो बेसिक पिगमेंट हैं वो लगे होते हैं, और वो उसमें ये कलर कोड लिख देते हैं, और वो मशीन यूँ घूमती है गोल गोल, और वो टुपका टुपका डालती है, वो दो चार पिगमेंट वो प्रोड्यूस हो जाता है वो कलर, और बस वो सीलेंट का आप कनस्तर ले जाएं उससे, उसमें वो डालें पिगमेंट और चल मेरा भाई, अपनी मर्जी का जो भी कलर आपने बनाना है आप बना लें, ठीक है। तो दैट इज़ जो पिगमेंट है ना, जो पिगमेंट इज़ द केमिकल, वो नेचर ने बना के दे दिया हमें, हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये ब्लू कलर जो प्लास्टिक में ये ब्लू कलर डाला गया है, दिस इज़ ऑल्सो अ पिगमेंट। अब कुछ पिगमेंट ऐसे होते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, मिसाल के तौर पर इस ढक्कन को बनाने के लिए इस प्लास्टिक को पहले पिघलाया गया होगा ना, और फिर सांचे में डाला गया होगा, तो कुछ पिगमेंट ऐसे हैं जो हीट बर्दाश्त कर ली इसने इतनी, और अभी भी ये कायम है। कुछ ऐसे होते हैं जो हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको सिर्फ ठंडे में यूज़ किया जाता है, गर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वेल, अलग अलग तरह के पिगमेंट हैं, नेचर डिफरेंट जगहों से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको बनाया जाता है। ये दीवार का पेंट, ये ऑयल पेंट, ये जितने भी आपको अपने सराउंडिंग में कलर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे फूलों से और दरख्तों से और ज़मीन से और नेचर से एक्सट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। तो हम अपने घरों को तो कलरफुल बनाते जा रहे हैं, और जहाँ से ये कलर निकलते हैं उसको हमने साइड पर कर दिया है ना, तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि जी ये जहाँ से कलर निकलते हैं ना तो वो उधर कलर होने चाहिए। हम पौधे वौधे थोड़ा हमने इग्नोर किया हुआ है आजकल ना मार्केट में, घरों में भी लोगों का पौधे वगैरह लगाने का रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो और बाय द वे, जो हमारे पास ये जो एसी भी हम लगाते हैं ना, जो एक नीम का दरख्त है ना, वो भी एसी होता है और अच्छी खासी ठंडक करता है, वो पूरे एनवायरनमेंट को ठंडा कर रहा होता है। तो ये वाला एसी लगाते हैं सिर्फ, अब आजकल वो वाला एसी लोगों ने छोड़ दिया लगाना तो क्या कहते हैं, हमारे बहुत सारे, हमारी नानी के घर पर बहुत बड़ा नीम का दरख्त था, तो वो जी कंस्ट्रक्शन हुई कुछ घर को तोड़ के बनाना, तो काट दिया दरख्त वायर हम छोटे छोटे थे उस वक्त, तो हमें बड़ा उसका क्या कहते हैं अफसोस हुआ, लेकिन अफसोस लेकिन इस वजह से नहीं हुआ कि एसी था वो, अफसोस इस वजह से हुआ उस पर हम झूला झूलते थे, तो रस्सी बांध के ना उस पर झूला झूलते थे, हमने कहा यार हम झूला झूलते थे, उसको काट दिया उन्होंने, छोटे छोटे थे हम, तो हम बड़ा लड़ाई की हमने घर पर ना नानी से जाके कि यार आपने ये क्यों काट दिया, हम तो इसी पर, तो एसी की वजह से तो हम आते थे आपके घर। खैर, तो हमने ये देखा कि जो कलर होता है ना, हम
वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कलर. कलर जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे अगर लाल दिख रहा है तो वो मुझे इस वजह से दिख रहा है कि लाल लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है. अच्छा, अब एक तो ये बात समझ आ गई कि जी ये ब्लू दिख रहा है तो ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है जब दिख रहा है. अब एक चीज़ और भी समझ लें कि मुझे इस ब्लू कलर को देखने के लिए, इस ब्लू कलर को देखने के लिए मुझे इस पे जो लाइट पड़ रही है, इस बल्ब से आके पड़ रही है या रोशनी सूरज से आ रही है, उस लाइट के अंदर ना अमाउंट ऑफ ब्लू होना ज़रूरी है. अगर समहाउ इस एलईडी बल्ब में जो लाइट निकल के आ रही है उसमें ब्लू मौजूद ना हो, मिसाल के तौर पर प्योर रेड हो, अगर प्योर रेड हो तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो रेड तो सारा का सारा ये कर लेगा एब्जॉर्ब, और फिर मुझे ये क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा. ठीक है, कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. अच्छा, जो हम ब्लैक कलर की हमने डेफिनेशन देखी ना, कि जो ब्लैक कलर का कपड़ा है वो सारे कलर क्योंकि अब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए मैं वो ब्लैक दिखता है. तो जब आने वाले सोर्स में सिर्फ रेड होगा, ब्लू नहीं होगा, तो ये भी ब्लैक वाला बिहेवियर, यानी सारी की सारी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेगा और हमें ये अल्टीमेटली ब्लैक दिखेगा. ठीक है. अच्छा, अगर मेरे लाइट के सोर्स में सिर्फ ब्लू होगा तो मुझे ये कैसा दिखेगा? मुझे वाइट दिखेगा ये. ठीक है, वैसे तो वाइट तो नहीं दिखेगा लेकिन मुझे वाइट दिखेगा ये, मतलब मेरा ब्रेन बोलेगा ये वाइट है. दिख तो ये ब्लू ही रहा होगा जब भी, लेकिन मेरा ब्रेन क्या बोलेगा? कि ये वाइट है. हाँ, डार्क ब्लू नहीं होगा. हाँ, कोई ना कोई यानी ग्रे का शेड दिखेगा काइंड ऑफ, ये मतलब है कि थोड़ा शायद डार्क दिख सकता है या मुझे वाइट दिखेगा ये. क्योंकि आप देखें, कलर टेलीविज़न तो अब आया ना, इससे पहले जो ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न होते थे उसमें क्या होता था जी, वो कलर को डिस्टिंग्विश कैसे करते थे हम, कि कोई हल्का ग्रे है, कोई डार्क ग्रे है, कोई बिल्कुल वाइट है. तो जब इसके ऊपर पूरी की पूरी ब्लू लाइट आएगी ना, तो या तो उस लाइट का जो कलर है ब्लू, मिसाल के तौर पर हो सकता है लाइट का कलर ब्लू बहुत ज़्यादा डार्क हो, तो ये मुझे शायद थोड़ा हल्का ब्लू दिखे. ठीक है, और अगर लाइट का कलर हल्का ब्लू है तो शायद ये मुझे डार्क ब्लू दिखे थोड़ा. तो हल्का ब्लू या डार्क ब्लू दिखेगा, अगर हल्का हो सकता है इतना हल्का हो जाए कि मुझे वाइट लगने लग जाए. ठीक है, हल्का होगा तो जब, मिसाल के तौर पर ब्लैक एंड वाइट टीवी में आप पिंक कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. भाई पिंक कलर कैसे पता चलेगा आपको ब्लैक एंड वाइट टीवी पर? आपको या तो वाइट का कोई शेड दिखेगा या ब्लैक का. तो इसमें भी क्या होगा कि फिर अब वो ब्लू का ही कोई ना कोई शेड दिख रहा होगा. अगर बिल्कुल हल्का हो जाएगा तो आपका ब्रेन बोलेगा ये वाइट है ना, और अगर बिल्कुल डार्क हो जाएगा आपका ब्रेन बोलेगा ये ब्लू है पूरा. तो वेल, ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा. एक्सपेरिमेंट करने का बहुत आसान तरीका है, आपने मोबाइल फ़ोन उठाना है, मोबाइल फ़ोन उठा के आपने गूगल सर्च पे जाना है, और गूगल सर्च पे जाके आपने लिखना है ब्लू, जस्ट ब्लू. और ब्लू लिखेंगे आप तो ब्लू कलर के ना आपके पास सॉलिड ब्लू कलर्स आ जाएंगे. आपने लिखना है सॉलिड ब्लू कलर, ये आ गया जी ब्लू आपके पास. ठीक है, अब जब आप इसको करेंगे ना जूम इन, और आपकी पूरी स्क्रीन पे ऐसा ब्लू हो जाएगा, तो आपने कमरे की लाइट कर देनी है बंद और आपने अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को कर देना है फुल, तो आपके पास एक ब्लू कलर का टॉर्च बन जाएगा, DIY टॉर्च हो जाएगा ये. अब उस ब्लू कलर के टॉर्च को आपने इस ढक्कन पे मार के देखना है कि ये आपको कैसा दिखता है. ठीक है, ये एक्टिविटी आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ. इसी तरह आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ करना है. अच्छा, अब आपके पास आ गई ना ब्लू कलर की टॉर्च, अब आपने आपके सराउंडिंग में जितनी छोटी मोटी कलरफुल चीज़ें हैं ना, उसको आप पे मार के देखेंगे ना, उसका कलर आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा. उसका कलर आपको बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि भाई जैसा अभी ये लेबल लगा हुआ है इस पे, इसमें रेड भी कलर है, अब ये रेड आपको इनविजिबल हो जाएगा, रेड ब्लैक दिखेगा. मैंने उसको देखा, फिर उसका कलर ये मैंने आज रात दे दी, मैंने उसको कार्ड दोबारा हुआ.
तो आप अगर रेड कलर की लाइट में देखेंगे तो लाल नोट आपको फिर वो पूरा एक जैसा ही दिखेगा, बोलेंगे यार ये क्या हो गया इसको, वो गायब हो जाएगा, लाल कलर पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ये कलर कलर वाली बात ना, जब किसी को समझ नहीं आई, पठान को समझ आ गई है। पठान जो तरबूज बेचता है ना जब तो ऊपर लगाता है वो लाल चादर, और जब लाइट पड़ती है ना ऊपर से तो नीचे लाल लाल दिखता है सब। फिर जब उस तरबूज को घर लाते हैं ना, आप बोलते हैं यार ये तो वहाँ लाल था यहाँ तो सर। ठीक है जी, तो ये हमने क्या समझ लिया आज, कलर की थ्योरी को भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई कलर है क्या। अच्छा, अब ये हमने समझ लिया कि नंबर एक हमने क्या बात समझी कि कलर को लिखते कैसे हैं, वो तो हो गया। नंबर दो, लाइट के अंदर सात कलर हैं, सातों मिक्स होकर सफ़ेद दिखती है लाइट। फिर हमें कोई ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है ब्लू, ये भी हमने समझ लिया। अब हम ज़रा समझ लेते हैं कि डिजिटल स्क्रीन में कलर हमें कैसे दिखता है, डिजिटल स्क्रीन में कलर हमें कैसे दिखता है। अच्छा, डिजिटल स्क्रीन के अंदर ना हमारे पास जो लाइट का सोर्स होता है वो डिजिटल स्क्रीन के अंदर ही होता है। ठीक है, जैसे इसको देखने के लिए ना मुझे एक्सटर्नल लाइट चाहिए, लेकिन डिजिटल स्क्रीन पे जो ब्लू कलर है ना उसको देखने के लिए मुझे एक्सटर्नल लाइट नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वो अंदर लाइट ब्लू कलर की लगी हुई होती है जो जलती है, तो मुझे ब्लू कलर दिखता है। तो मतलब ये है कि लाइट का सोर्स LCD के अंदर मौजूद है, वहाँ से वो इल्यूमिनेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये यही बता रहे हैं यहाँ पे कि एवरी कलर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग अमाउंट ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू टू फाइंड आउट कलर यू वांट टू सी दिस। हाँ, यहाँ पे ये बात लिखी है इन्होंने कि कंप्यूटर मॉनिटर आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी स्क्वायर कॉल्ड पिक्सल, इफ यू लुक एट वेरी क्लोजली एट योर मॉनिटर यू शुड बी एबल टू सी देम। कह रहे हैं यार आप अपने अगर स्क्रीन को बहुत गौर से देखें ना मैग्नीफायर लगा के, तो आपको दिख भी जाएगा। अखबारात में अक्सर जो तस्वीर होती है उसमें आपको पिक्सल दिख रहा होता है छोटे छोटे। ठीक है, इसी तरह जो जो थोड़े पुराने फ़ोन होते थे 3310 वगैरह और नोकिया के 1112 1110, उसमें भी क्या होता था कि जी वो छोटी स्क्रीन होती थी और बड़े बड़े से पिक्सल होते थे, तो उनमें भी पिक्सल आप ज़रा सा गौर करें तो आपको बाकायदा दिखते थे। अब तो ज़रा थोड़ी बहुत ही छोटे हो गए पिक्सल, अब नहीं नज़र आते, अब शायद मैग्नीफायर ग्लास से शायद नज़र आ जाए। अच्छा, व्हेन स्क्रीन इज टर्न्ड ऑन इट्स ब्लैक बिकॉज इट्स नॉट इमिटिंग एनी लाइट। कह रहे हैं कि जब स्क्रीन ऑन नहीं होती है, नॉट टर्न ऑन, तो वो कोई लाइट उसमें से बाहर नहीं निकलती, तो इसलिए वो ब्लैक दिखता है आपको। सही है, जितनी भी बंद स्क्रीनें आपको है ना दिखेंगी वो सारी आपको ब्लैक दिखेंगी। ठीक है, ये बंद स्क्रीन है, ब्लैक दिख रही है, ये रीज़न है। अच्छा, when it's on each pixel can be a different color creating a picture. जब वो ऑन होती है तो हर एक पिक्सल अपने कलर को ऐसे ऑर्गेनाइज करता है कि आपको लगता है एक पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, इस वक्त जो आपको यहाँ स्क्रीन दिख रही है सामने, या मेरे पास जो मॉनिटर है, या आपके सामने जो मॉनिटर या मोबाइल की स्क्रीन है, उसके ऊपर जो आपको फ़ोटो दिखती है या कोई लिखा हुआ तस्वीर दिखती है, वो असल में क्या होता है, वो जस्ट पिक्सल्स की ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से आपको लगता है अच्छा ये लिखाई हुई भी है। द कलर ऑफ ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ अ मिक्स ब्लू ग्रीन और रेड जस्ट लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन। कह रहे हैं कि भाई रेड ब्लू ग्रीन को मिला के बनता है एक पिक्सल के अंदर, ये तीनों कलर होते हैं। अच्छा यार, एक बात इसने और ये नहीं की है, एक बात इसने यहाँ पे की है कहीं पे बुक में, लेकिन अभी वो यहाँ पे सामने नहीं आई। प्रिंट जो है ना, प्रिंट उसके कलर और डिजिटल स्क्रीन के कलर अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं इस चीज़ को समझिएगा गौर से। डिजिटल स्क्रीन के ऊपर ना ब्लैक कलर को दिखाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट आप उसको ऑफ़ कर दें तो ब्लैक हो जाता है। जो पिक्सल्स इल्यूमिनेट हुए हैं उन पिक्सल्स को ऑफ़ कर दें तो ब्लैक हो जाएगा। प्रिंट के ऊपर ऑन अदर हैंड वो शुरू होता है वाइट से, डिजिटल स्क्रीन शुरू होती है ब्लैक से और सारी लाइटें फुल जल जाएँ तो सफ़ेद हो जाती है। प्रिंट में ऑन अदर हैंड क्या होता है कि बाई डिफ़ॉल्ट वो पेपर पूरा वाइट होता है, और अगर मैं सारे कलर को मिक्स करके उस पर चिपकाऊँ ना तो वो हो जाता है ब्लैक, यानी वाइट से ब्लैक की तरफ जाता है। ठीक है, यही वजह है कि उसके कलर जो होते हैं ना उसके अंदर आमतौर पर CMYK का प्रोफाइल इस्तेमाल होता है। CMYK RGB से अलग होता है, RGB तो रेड ब्लू ग्रीन है, CMYK होता है क्यान मजेंटा
और येलो और ब्लैक, ठीक है, ये चार होता है, इन चारों को मिक्स करो तो ब्लैक बन जाता है, ठीक है। तो ये चार ऐसे कलर होते हैं, इनको मिक्स करो तो ये ब्लैक हो जाता है, यानी जितना ज़्यादा आप कलर फुल कलर कर दूंगा तो ब्लैक हो जाएगा, और थोड़ा 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 कम करूंगा तो वो अल्टीमेटली वाइट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, यही वजह है कि जब भी कोई फोटोशॉप अगर किसी ने आप में से यूज़ किया हो तो उसमें जो हम प्रिंट के लिए जो बनाते हैं वो हम CMYK के प्रोफाइल पर बनाते हैं, यानी उसके हर पिक्सल के अंदर चार वैल्यूज़ होती हैं, RGB तीन वैल्यू नहीं होती, चार वैल्यू होती है। उसका साइज़ भी बड़ा होता है, उसका हम डेंसिटी भी ज़्यादा रखते हैं 300 DPI, इसमें डेंसिटी भी कम होती है 72, अभी वो आगे आ जाएगा डेंसिटी वाली बात ना, बल्कि डेंसिटी तो हम पढ़ चुके हैं इमेजेस में, हाँ रेजोल्यूशन जो है, हाँ वो तो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, कंट्रास्ट की अभी ये बात कर रहे हैं कि जी भाई कंट्रास्ट जो है ना क्या होता है, कंट्रास्ट जो होता है वो दो कलर्स का डिफरेंस जो होता है उसको कंट्रास्ट कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं यार एक भाई बड़ा अच्छा है, दूसरा भाई बिल्कुल कंट्रास्ट है, उसका अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंट्रास्ट, तो दो कलर्स का शार्प डिफरेंस। एक क्लास में मैंने पूछा कि कंट्रास्ट यार बताओ ज़रा कंट्रास्ट क्या होता है, तो बंदे ने कहा कि जी वो कपड़े में डिज़ाइन होता है वो चेक चेक वाला, उसको कंट्रास्ट कहते हैं। तो मतलब उसको भी कहते हैं जो अगर बड़े बड़े चेक्स बने हुए हैं और वाइट और ब्लैक चेक है आपका, तो आप उसको कह सकते हैं कि कंट्रास्ट कलर्स में ये चेक बनाया हुआ उन्होंने, है ना। तो उसने कहा नहीं नहीं सर वो तो चेक चेक वाले उसको कहते हैं, दुकान वाला कहता है कंट्रास्ट में चाहिए आपको तो ये रहा कंट्रास्ट में, कलर की वजह से उसको असल में कहते हैं। लेकिन अब वो बेचारा दुकान वाला जो वो इतना पढ़ा लिखा तो होता नहीं है वो तो जो वो उसने समझा कि इसका नाम ही कंट्रास्ट है। तो वेल, तो जी कंट्रास्ट जो है ना, जैसे हाई कंट्रास्ट है तो आप देखें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का ये शार्प डिफरेंस है, तो उसको हम कह रहे हैं हाई कंट्रास्ट। ये लो कंट्रास्ट है, मीडियम है। इन्होंने लिखा है कि जी आपके पास ना लो कंट्रास्ट में तो समझ आ रहा है टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं जा रहा, मीडियम कंट्रास्ट जो है वो मुनासिब है, हाई कंट्रास्ट जो है वो बहुत शार्प दिख रहा है टेक्स्ट। इन्होंने लिखा है कि भाई टेक्स्ट इज़ ईजियर टू रीड व्हेन देयर इज़ अ हाई कंट्रास्ट बिटवीन बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर। कह रहे हैं कि भाई मज़ा तो आता है आपको पढ़ने में, बहुत शार्प दिखता है जब अच्छे से पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें एक मसला है। मसला ये है कि इफ़ यू वॉन्ट पीपल टू रीड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट ऑन योर पेज हाउएवर देन टू मच कंट्रास्ट कैन मेक इट हार्डर टू रीड। कह रहे हैं कि ये दो बातें लिखी हुई हैं, यहाँ तक तो कहानी सही है, लेकिन आप जब लंबा पैराग्राफ लिखेंगे ना, चार पाँच लाइन का, छः लाइन का जब आप टेक्स्ट लिखेंगे, तो फिर आपने हाई कंट्रास्ट को अवॉइड करना है, क्योंकि वो इट विल मेक इट डिफ़िकल्ट, इट विल मेक इट हार्डर टू रीड, अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। हाँ, अब ये इसने जो बात की है ना, ये प्योर डिज़ाइनर वाली बात की है इसने, ठीक है। ये चीज़ डिज़ाइनर को पता होता है कि यार क्या चीज़ ह्यूमन को कंफर्ट देगी, क्या चीज़ अच्छा लगेगा, क्या चीज़ बुरा लगेगा, किस चीज़ से ह्यूमन तंग होगा, इरीटेट होगा, किस चीज़ से अनॉयड होगा, किस चीज़ से एंग्री होगा, हैप्पी होगा, ये डिज़ाइनर वाली चीज़ है सारी, ठीक है। डिज़ाइनर का मेन काम यही है कि जी वो कैसे जो है ना क्या करे बंदा, तो यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जाए। अच्छा, लेकिन साथ साथ इसने एक टिप भी दी है, इसने कहा कि जी इफ़ टेक्स्ट इज़ रिजर्व्ड आउट, रिवर्स्ड आउट, रिवर्स्ड आउट का मतलब ये है कि जी बैकग्राउंड को ना इन्होंने देखें यहाँ पे ब्लैक किया हुआ है और इसको जो है ना वाइट किया हुआ है। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि लाइट कलर ऑन डार्क बैकग्राउंड, अगर ऐसा वाला हो, एक तो होता है ना ये असल में रिवर्स ही हुआ है और ये है नॉर्मल, तो कह रहे हैं कि आप रिवर्स कर दें इसको, यू कैन इंक्रीज द हाइट बिटवीन लाइंस, दोनों लाइनों के दरमियान का फासला बढ़ा दें और फॉन्ट के वेट को थोड़ा बढ़ा दें। आप नोट करें ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों का फासला जो ज़्यादा है नस्बतन इन दोनों के, तो कह रहे हैं कि आप टेक्स्ट को क्या करेंगे, आप कर देंगे इसको रिवर्स्ड, बैकग्राउंड डार्क और टेक्स्ट लाइट, साथ में दोनों लाइनों का फासला बढ़ा देंगे और साथ में टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर देंगे, तो फिर ये सही हो जाएगा, फिर आप इससे दो पैराग्राफ पढ़वा लो बंदे से, सही है। और इसने वो कलर अप्लाई भी कर दिया, तो आप देखें ये तीन लाइनें हैं बिल्कुल सही पढ़ी जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा इसमें, ठीक है। अच्छा जी, ओपेक्सिटी क्या चीज़ है भला? ओपेक्सिटी नहीं, इसको ओपेसिटी नहीं बोलते, ओपेक्सिटी है, ये निकला है वर्ड ओपेक से निकला है। ओपेक किस चीज़ को कहते हैं? ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके आर पार नहीं दिखता,
जैसे ये जो क्या है, ये मेरे रिमोट का डब्बा है, ये कागज़ का डब्बा जो है, ये क्या ट्रांसपेरेंट है? नहीं। तो ट्रांसपेरेंट का जो अपोजिट होता है ना, उसको हम कहते हैं ओपेक, जिसके आर पार नज़र नहीं आता है। ठीक है, एक होता है सेमाई ओपेक। सेमाई ओपेक का मतलब है कि थोड़ा बहुत दिख भी जाता है, पूरा ट्रांसपेरेंट लेकिन नहीं है। अच्छा, ये जो मिनरल वाटर की बोतल है, ये समहाउ सेमाई ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इस पर टेक्सचर इतना बना हुआ है कि बैकग्राउंड में पूरा तो नहीं दिख रहा, थोड़ा ब्लर ब्लर सा दिख रहा है बैकग्राउंड। अगर मैं ऐसे करके देखूँ ना तो मुझे ये तो पता चल जाएगा कि कोई बंदा है, लेकिन बंदे की शक्ल पहचान नहीं पाऊँगा मैं, ये इतना ब्लर कर दे रहा है इमेज को ना। तो सेमाई ओपेक उसको कहते हैं हम। अच्छा, और जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि ये मेरे चश्मे का शीशा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इससे आर पार बिल्कुल सही दिख रहा है, इसमें कोई बीच में जो है ना, जब इस पर तेल वाला हाथ लग जाता है तो थोड़ा ये सेमाई ओपेक हो जाता है, लेकिन फिर इसको साफ़ करना पड़ता है तो ये सही हो जाता है। अच्छा, इन्होंने बोला है कि जी जो आर जी बी लगाते थे ना आप, अब आप लगाओगे आर जी बी ए, और लास्ट में आप पास करोगे इसको एल्फ़ा। एल्फ़ा जो है वो 0 से लेके 1 तक का एक नंबर है, 0 से लेके 1 तक का एक नंबर है। 0 का मतलब है ट्रांसपेरेंट, 1 का मतलब है ओपेक। बाई डिफ़ॉल्ट ये नंबर 1 ही रहता है, जब आर जी बी लगाते हैं उसमें एल्फा नहीं देते तो 1 होता है बाई डिफ़ॉल्ट, यानी वो पूरा पूरा नज़र आ रहा होता है। अच्छा, इसको जब आर जी बी ए करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं दूंगा 0, एल्फा को जब मैं 0 कर दूंगा तो मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट, तो 0.5 का क्या मतलब हुआ? सेमाई ट्रांसपेरेंट, यानी 50% ट्रांसपेरेंट। नीचे इसका रिजल्ट आपको ये दिखा रहा है कि जी इस तरह से हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये कह रहा है पुराने ब्राउज़र में ही हो सकता है सपोर्ट ना करे, लेकिन पुराना ब्राउज़र अब उतना पुराना कोई भी ब्राउज़र नहीं, ये 2009 में लिखी गई थी बुक, ये उस ज़माने के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब इतना कोई भी पुराना ब्राउज़र नहीं है जिसमें ये ना हो सपोर्ट। अच्छा, तो मेरा ख्याल है आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में ना ये एच एस एल को ज़रा शुरू करेंगे, ये कलर को डिफ़ाइन करने का एक चौथा तरीका है, जो मोर नेचुरल तरीका है और मोर इंट्यूटिव, इन्होंने यहाँ पे बात लिखी है, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया है, मोर इंट्यूटिव है। ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर करेंगे।